हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ जादूगर शकूरा, काबुकी का खजाना और नागराज और लाल मौत कॉमिक के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैं क्यों इन दो डाइजेस्ट को एक साथ कवर कर रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली बात यह है कि इन दोनों डाइजेस्ट से रिलेटेड मेरी बहुत छोटी सी मेमोरी है, लेकिन बहुत खास मेमोरी है इन दो डेज को लेकर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2012 में मैंने पहली बार राज कॉमिक की कोई डाइजेस्ट खरीदी थी, जो कि थी बांकेलाल की पहली डाइजेस्ट। और साल 2013 में मेरी नागराज की सबसे पहली दो डेज यही थी, नागराज डाइजेस्ट 8 और नागराज डाइजेस्ट 9। और ये दोनों डाइजेस्ट मुझे एक साथ ही मिली थी, तो मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों ही मेरी सबसे पहली डाइजेस्ट थी नागराज की। और क्या है कि इसी वजह से शायद ये भी कारण हो सकते हैं। वैसे तो इन दोनों सीरीज़ और सिंगल शॉट कॉमिक की स्टोरी लाइन बहुत ख़ास है ही, कॉन्सेप्ट भी बड़ा ख़ास है और काफ़ी करेक्टर्स रिपीट भी होते हैं। मैं आपको बताऊंगा जब मैं इन दोनों सीरीज़ के बारे में डिस्कस करूंगा। और ये भी कारण है क्योंकि ये दोनों मेरी पहली डेज थी, मतलब कुल मिला के, मतलब स्टोरी ले लो, आर्ट वर्क ले लो, कुछ करेक्टर्स का रिपीटेशन ले लो, या फिर दोनों का एक साथ मिलना, मतलब ये सारे एलिमेंट्स मिला के, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो इन इन इनकी जो स्टोरी है वो मेरी फेवरेट लिस्ट में आती है सबसे। और हाँ, एक बार और बता देता हूँ कि इन सभी कॉमिक्स को राज कॉमिक्स ने, खासतौर पे आरसीएम जी ने पेपरबैक में रिप्रिंट किया है, और आरसीएस जी ने भी शायद मतलब जादू का शकोरा तो तुम्हें याद है कि रिप्रिंट किया है, बाकी का कुछ मुझे पता नहीं। सबसे पहले मैं आपको आपके आगे जादूगर शकूरा सीरीज़ के बारे में बात करता हूँ। टेक्निकली इसमें तीन कॉमिक्स हैं। फर्स्ट पार्ट का नाम है जादूगर शकूरा, सेकंड पार्ट का नाम है नागराज और बोना शैतान, थर्ड पार्ट का नाम है नागराज और ताजमहल की चोरी। वैसे ही टेक्निकली देखा जाए तो ये एक सिंगल शॉट कॉमिक है, ये दोनों सीरीज़ की कॉमिक है, लेकिन मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, नागराज की पिछली वीडियो में, कि एक कॉमिक है ऐसी जो ना चाहते हुए भी इन सीरीज़ का पार्ट बन जाती है, वो मैं आपको रिवील करूँगा कैसे। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको जादूगर शकूरा की कॉमिक के मतलब फर्स्ट पार्ट के बारे में बताता हूँ। तो इसकी स्टोरी कॉन्सेप्ट ये है कि जादूगर शकूरा जो कि एलियन होता है वो आता है, और उसका मकसद ये होता है कि शक्तिशाली लोगों को कैद करके उनकी शक्तियाँ छीनना। तो क्या करता है वो, स्पाइडरमैन, सुपरमैन और बैटमैन को कैप्चर करता है, लेकिन उसका नेक्स्ट टारगेट होता है नागराज। हालांकि ओरिजिनल में तो स्पाइडरमैन, सुपरमैन और बैटमैन थे, लेकिन काफ़ी बहुत साल पहले ही इनको चेंज कर दिया गया था। स्पाइडरमैन को बना दिया था बगमैन, सुपरमैन को बना दिया था मेट्रोमैन, और बैटमैन को बना दिया था डार्कमैन। और अगर आप देखो, सिर्फ नाम ही नहीं, पूरे कलर, कॉस्ट्यूम सब बदल दिए। जब आरसीएमजी ने इस कॉमिक को रिप्रिंट किया था, तो मैंने सोचा था कि अगर वो बिल्कुल ओरिजिनल वे में छापेंगे तब तो मैं यही कॉमिक दोबारा से फिर खरीदूँगा, पर वो बात है कि लेटेस्ट रिप्रिंट में भी यही सब कुछ है। और कुछ दिन पहले आरसीएसजी ने भी इस कॉमिक को रिप्रिंट किया है, हालांकि उसको कुछ पता नहीं कि वो इसी फॉर्मेट में करेंगे या ओरिजिनल में रिप्रिंट करेंगे। अगर ओरिजिनल वे में रिप्रिंट किया तब तो मैं ये कॉमिक ज़रूर खरीदूँगा। तो बाकी मैं इसकी स्टोरी और प्लॉट के बारे में बताता हूँ। वही मैंने आपको बताया कि इन तीनों को कैप्चर करने के बाद उसकी कोशिश होती है कि वो नागराज को भी कैप्चर करे, और जिसकी वजह से काफ़ी सारी भिड़ंत होती है। और इस हालांकि नागराज से पहले ही मतलब सुपरमैन, बैटमैन और स्पाइडरमैन तीनों से ही भिड़ता है जादू शकूरा, काफ़ी खतरनाक विलन होता है। और स्टोरी लाइन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मतलब ऐसे लगा लो कि राज कॉमिक, मार्वल और डीसी तीनों यूनिवर्सिस का क्रॉसओवर देखने को मिला एक तरह से, जो कि बहुत देखने, सच में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है।
इसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा औसम है और ऑटो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर आर सी एस जी इसको अगर मैं उम्मीद करता हूँ कि आर सी एस जी इसको बिल्कुल ओरिजिनल वे में रिप्रिंट करे, क्योंकि मैं इसकी ओरिजिनल मतलब जो जैसे ये आई थी ओरिजिनल वे में, जैसे लुक में भी और नाम में भी मुझे वैसी कॉमिक चाहिए। तो स्टोरी बहुत अच्छी है। अब सेकंड पार्ट की बात करता हूँ, बोना शैतान की। इसमें मैं आपको एक स्पॉइलर देना चाहूँगा कि एक्चुअल में जो बोना शैतान होता है वो जादूगर शाकुरा ही होता है। हालांकि इसके फर्स्ट पार्ट के एंड में बाबा गोरखनाथ उसको पकड़ के अपने साथ ले गए थे। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। हाँ, पकड़ के ले गए, लेकिन वो बता कि वो किसी तरह बाबा गोरखनाथ की कैसे छूट जाता है। हालांकि इसका रिवील बहुत लास्ट में होता है कि बोना शैतान असल में जादूगर शकुरा ही था। तो इसकी स्टोरी कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जो बोना शैतान होता है, आपको पता है कौन, वो दुनिया भर के विलन्स को इकट्ठा करता है और किसी तरह वो मतलब जो होता है ना, दूसरी तरफ क्या करता है कि जो दुनिया भर की जो अनमोल चीज़ें होती हैं उनकी चोरी करता है और एक तरफ नागराज को भी कैप्चर कर लेता है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो इसकी जो स्टोरी लाइन है वो नागराज पे फोकस ना होकर नागराज के विलन्स के ऊपर फोकस करती है, क्योंकि इस सीरीज़ में आपको काफ़ी सारे विलन्स देखने को मिल जाएंगे जो एक सेटअप है आगे की स्टोरी लाइन्स को लेकर। मतलब क्या है कि ये सीरीज़ काफ़ी सारे विलन्स को सेट करती है फ्यूचर स्टोरी लाइन्स के लिए। मतलब देखने में, पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बहुत ही इसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन है। अगर आप आर्ट वर्क देखो तो आर्ट वर्क भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। हालांकि जो विलन्स होते हैं उनमें से कुछ विलन्स को हमने नागराज की सबसे पहली कॉमिक में देखा था, पर वही बात है कि इस सीरीज़ में उनको दोबारा से री एक्सप्लोर किया था ताकि उनको फ्यूचर में यूज़ करें। हालांकि मैं ये बात 4-5 बार बोल चुका हूँ कि ये टेक्निकली देखा जाए तो ये विलेंस को सेट करती है इस सीरीज़। काफ़ी शानदार सीरीज़ है, मतलब आपको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और नागराज कैसे इन सबसे डील करता है, हालांकि मतलब छोटी मोटी डील होती है लेकिन असली लड़ाई नागराज इससे आगे वाली स्टोरी लाइन्स में करता है इन सबसे सामना, जो कि देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। जैसे गन मास्टर हुड, बेम बेम बिगलो, थोड़ंगा, फराहो, काफ़ी सारे कैरेक्टर हैं। मतलब कह सकते हो कि ये सीरीज़ नागराज की नाव पर विलन्स को सेटअप करने वाली सीरीज़ है। बहुत अच्छी स्टोरी लाइन है। देखा, मैंने बताया था ना कि वही बिल्कुल लास्ट में रिवील होता है कि वो शाकुरा ही है। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले नागराज और लाल मौत के बारे में। इसकी स्टोरी ऐसी है कि ये मतलब कॉन्सेप्ट और स्टोरी मैं डीप में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ इतना मैं बोल सकता हूँ कि स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और हालांकि क्या है कि आपको बताता हूँ, जो इसके लास्ट में क्या होता है कि मतलब क्या होता है कि जो स्टोरी लाइन इसकी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आर्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप इस करेक्टर को देख पा रहे हो, रुबै खातून को, ये करेक्टर और जो एक छोटे सीक्वेंस में जो लाल मोत दिखाया जाता है, ये दोनों ही करेक्टर हम नागराज की सॉरी आतंकहर्ता नागराज की वीरगति सीरीज़ में दोबारा देख सकते हैं। मतलब रुबै खातून और लाल मौत दोनों को दोबारा से हम जर्मनी सीरीज में देखते हैं। मतलब इतने सालों के बाद, मतलब जब जर्मनी सीरीज पढ़ी थी तो इन दोनों करेक्टर्स को वापस देख के, चाहे अलग टाइम में मतलब एक अलग स्टाइल में देख के ही सही, हालांकि अलग स्टाइल तो नहीं बोलेंगे, पर उसकी मतलब क्या है कि नागराज से लेकर नागराज की विसर्पी तक नागराज एक था, उसके बाद नागराज की पर्सनैलिटी दो हिस्सों में स्प्लिट हो गई थी, एक आतंकर्ता के रूप में, एक विश्व रक्षक के रूप में। तो मतलब कहने मतलब ये है कि जब
ऑर्डर ऑफ बेबल सीरीज़ में या जर्मनी सीरीज़ में या वीरगति सीरीज़ जो कोई भी ले लो, जब इनको वापस से देखा था तो काफ़ी मज़ा आया था। हाँ, बाकी मैं कहता हूँ कि इसकी जो स्टोरी लाइन और आर्टवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मतलब आपको सच में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। अब बात आती है काबुकी का खजाना सीरीज़ के बारे में, और जैसे मैं बताया कि लाल मोत कॉमिक है और ये दो पार्ट की सीरीज़ है इसका, और कोई लेना देना नहीं है, मैंने शुरू से बताया ये सिंगल शॉट कॉमिक है। और अब सीरीज़ के बारे में बात करता हूँ। फर्स्ट पार्ट का नाम है नागराज और काबुकी का खजाना, सेकंड पार्ट है नागराज और थोडांगा। और काबुकी का खजाना का मतलब क्या होता है कि जो हाथी के जो दांत होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे होता है, को पता है। सारा स्टोरी और कॉन्सेप्ट इसी के आजू बाजू घूमता है। सच अगर मैं स्टोरी लाइन के बारे में बात करूं तो स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और इसमें कुछ और करेक्टर्स भी हैं जिनका रिटर्न हम क्षतिपूर्ति सीरीज़ में देखते हैं, जैसे डैनियल और सीसी। और जिसमें से आप जो लड़की देख रहे हो ये है सीसी, और जो इसका हस्बैंड है डैनियल, इन दोनों को हम क्षतिपूर्ति सीरीज़ में दोबारा देखते हैं। और जैसे कि मैं बोल रहा था कि इसकी जो स्टोरी लाइन है, जो आर्ट वर्क है, जो स्टोरी कॉन्सेप्ट है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मतलब पढ़ने में बिल्कुल मज़ा आ जाता है। और कुछ सीन में हमको इमोशनल मोमेंट भी देखने को मिलते हैं, ख़ासतौर पे जो उसका नाराज के दोस्त होता है काली, उसको उससे रिलेटेड बहुत इमोशनल मोमेंट देखने को मिलते हैं सीरीज में। बाकी अगर मैं आटो के बारे में बात करूँ तो आटो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, हाँ, जो आप ये गैंडा देख रहे हो सतरंगा, इस सीरीज़ को भी सॉरी इस करेक्टर को भी हम क्षतिपूर्ति सीरीज़ में दोबारा देखते हैं, और इसी वजह से ये सीरीज़ और क्षतिपूर्ति सीरीज़ या जर्मनी सीरीज़ बहुत ख़ास बन जाती है, क्योंकि काफ़ी सारे करेक्टर्स का रिटर्न होता है। हालांकि इसके अलावा और करेक्टर्स हैं जिनके बारे में मैंने क्षतिपूर्ति सीरीज़ वाले वीडियो में बता के रखा हुआ है। बहुत ही अच्छी स्टोरी लाइन है इसकी, और आर्टवर्क भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बस मैं लास्ट में इतना ही बोल सकता हूँ कि अगर आप नागराज के फ़ैन हो या फिर क्लासिक नागराज के फ़ैन हो, तब तो आपको डेफिनेटली इन दो सीरीज़ और सिंगल शॉट कॉमिक्स से, मतलब सभी कॉमिक्स को आपको ख़रीदनी चाहिए, बहुत अच्छी सी कॉमिक्स हैं। और अगर आप नागराज के फ़ैन नहीं भी हो, और अगर आप एक अच्छी स्टोरी लाइन, आर्टवर्क और अच्छे कॉन्सेप्ट वाली स्टोरी को इन्जॉय करना चाहते हो, तब भी आप इन दोनों को, मतलब इन 6 कॉमिक्स को आप आराम से खरीद सकते हो, मतलब फुल पैसा वसूल कॉमिक्स हैं। और इस जैसे मैं बताया कि ये दोनों सीरीज़ और एक मतलब दोनों डेस्ट मतलब जो कहानी है, ये दोनों मेरी फेवरेट लिस्ट में आती हैं। और ये भी मैंने बताया कि दोनों डेस्ट मुझे मुझे एक साथ ही मिले थे, और यही मेरी नागरिक की सबसे पहली डेस्ट थी। तो इसके अलावा और कुछ बताने को है नहीं, वहाँ काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा था उस वक्त, इन मतलब जब मैंने पहली बार इन क्यों मैंने इस जो स्टोरी है वो मैंने पहली बार इसी वर्जन में पढ़ी थी, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ था मुझे इन दोनों टेस्ट को पढ़ के। मतलब आज भी उन दोनों को याद करता हूँ तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।